नमस्कार दोस्तों, डायरेक्टर SS राजामौली अपनी फिल्म RRR को लेकर काफी चर्चा में चल रहे हैं। रामचरण और जूनियर NTR जैसे स्टार कास्ट की फिल्म को भारत और पश्चिमी देशों के बाद अब जापान में भी लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है। भारत में कई रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर लॉन्च किया गया, जिसके बाद पश्चिमी देशों को भी इस फिल्म में काफी दिलचस्पी देखने को मिली और कई हॉलीवुड फिल्म मेकर्स इस मूवी की तारीफ भी कर चुके हैं। राजामौली की RRR को भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर ऑस्कर एंट्री तो नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद वे अपनी मूवी को अमेरिका में पिछले कई हफ्तों से प्रमोट कर रहे हैं और कई स्क्रीनिंग अटेंड भी कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में RRR की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान अपनी फिल्म मेकिंग प्रोसेस के बारे में बात की। राजामौली ने कहा कि वे हमेशा से ही भारतीय कहानियों को हॉलीवुड के स्केल पर करना चाहते हैं। राजामौली ने कहा कि हॉलीवुड की ग्लेडिएटर और वेव हार्ट जैसी फिल्मों ने उन्हें काफी प्रभावित किया है। राजामौली ने ये भी कहा कि उन्होंने RRR के साथ जो किया है वो महाभारत की तुलना में कुछ भी नहीं है। राजामौली ने कहा कि वे महाभारत के प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, लेकिन इस पर अभी काफी समय लग सकता है। उन्होंने बोला कि मेरी महाभारत को लेकर जो विजन है और जो इमेज मेरे दिमाग में है, मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे अपने फिल्म मेकिंग के क्राफ्ट को और बेहतर करने की जरूरत है। जाहिर है कि मुझे थोड़े ज्यादा समय की जरूरत है। बता दें कि इस साल की शुरुआत में भी राजामौली ने महाभारत को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया था, लेकिन इससे पहले वे 3-4 फिल्मों पर काम कर लेना चाहते हैं। दोस्तों, राजामौली की इस बयान से आप समझ सकते हैं कि महाभारत जब बनकर तैयार होगी तो वह कितनी शानदार होगी। आपकी क्या राय है इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।